दिन में कुछ ऐसा व्यू है इनका, ये इसको जूम करता हूँ। दिन में पहली बार आया हूँ मैं भी, देखा नहीं था। अब देखते हैं कुछ ऐसा है ये अंदर में भी चलते हैं आज इनके पैर के पास। जय शंभो। मैं अभी आया हूँ नाश्ता करने और मुझे कुछ ऐसा ऐसा चीज़ दिख रहा है भाई, हम नल्ले लोगों को क्या ही पता ये सब चीज़ों का मतलब। Hey guys, welcome back to my channel and सबको गुड मॉर्निंग। तो आज भाई आज का मौसम तो एकदम मस्त हो रहा है, ऐसा कुछ मौसम है, धूप निकला ही नहीं है आज। और मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ थोड़ा नाश्ता करने। नाश्ता करते हैं फिर हो सकता है कहीं निकलेंगे तो आपको दिखाता हूँ। भाई आज का मौसम तो एकदम मज़ा आ गया है देख के। तो पहले तो कुछ खाते हैं, आज का मौसम है भाई पकौड़े खाने वाले, मुझे काफ़ी पसंद है ऐसे भजिया, प्याज के भजिए, पकौड़े, तो वो सब खाने का प्लान बनाते हैं। तो अब चलते हैं, पहले नाश्ता व्यवस्था का कुछ व्यवस्था बनाते हैं फिर आपसे मिलते। सिक्का ग्रुप ऑफ पार्क, क्योंकि भाई आज का मौसम बड़ा सेक्सी है, रोमांटिक रोमांटिक मौसम। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, थोड़ा ये बोटिंग वगैरह करते हैं अकेले अकेले, क्या घर जाने का टाइम है, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। तो कुछ ऐसा है दिन में, कुछ ऐसा दिखता है ये लाइटिंग वाला एरिया अपना, बट अभी लाइट नहीं जल रहा है क्योंकि भाई डे में क्या ही करेंगे लाइट जला के। चलते हैं पहले वो आगे में बैठूंगा। दिन में कुछ ऐसा व्यू है इनका, ये इसको जूम करता हूँ पहले। ये मैं नाइट में तो भाई दो दो बार हो गया, दिन में पहली बार आया हूँ मैं भी, देखा नहीं था। अब देखते हैं कुछ ऐसा है ये अंदर में भी चलते हैं आज इनके पैर के पास। जय शंभो। ये यहाँ पे दिए वगैरह जलाते हैं शायद। भाई दिन में तो और ही मस्त दिख रहा है ना, एक नंबर। साइड में शायद परिक्रमा करने के लिए बनाया गया, पूजा भी, मतलब यहाँ पे पूजा भी चलता है, कई लोग पूजा वगैरह भी करते हैं। और एक ये है अपना रेस्टोरेंट, ये पूरा रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट, जो भी पार्टी वगैरह करना है जिसको वो पार्टी वार्टी भी करता है। और हम तो भाई आज मौसम काफ़ी अच्छा है तो थोड़ा बस कहीं बैठते हैं फिर चलेंगे घर, थोड़ी देर में खाना वाना बनाएंगे। क्या बोर लग रहा था, मैं बोला भाई इसको आज का मौसम इतना अच्छा है कि दिन में इसको कैप्चर कर लेता हूँ, इसलिए आया था कैप्चर करने थोड़ा, ताकि आप लोग भी देख सको दिन में। नाइट में तो दिखाया बट उतना, इसलिए कुछ नाइट में जैसा भी था, दिन में तो भाई एक नंबर लग रहा है। नाश्ता वगैरह यहीं लाया हूँ, यहीं नाश्ता वगैरह करूँगा, अभी उतना भीड़ वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, नाश्ता वास्ता करता हूँ। तो मैं अभी आया हूँ नाश्ता करने और मुझे कुछ ऐसा ऐसा चीज़ दिख रहा है भाई, हम नल्ले लोगों को क्या ही पता ये सब चीज़ों का मतलब। कुछ ऐसा ऐसा सा सीन है और ये लड़कियाँ बैठे हैं, लड़के लड़की भाई उनको दिख नहीं रहा है, बस किस कर रहे हैं भाई पब्लिकली, खतरनाक टाइप से सब कुछ चल रहा है। तो अभी नाश्ता वास्ता करता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। और पहले सोचते हैं बोटिंग वगैरह करने का प्लान है। नाश्ता पानी हो गया है, अब देखता हूँ बोटिंग करने का प्लान है, वहाँ देखते हैं अगर दिन में पता नहीं होता है कि नहीं, नाइट में तो होता है। तो बोटिंग के लिए हो गया है, अब चलते हैं बोटिंग करते हैं। पहले बोटिंग करके तो भाई मज़ा आ गया। ये कुछ ऐसा है, ये अपना राइड, ये तो बोटिंग करके सीधा आप दिखाते हैं कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाए तो। क्रॉस पुल, ये वाला पुल है, ये गोल गोल खंबे से हम गोल घूमेंगे। क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पे, टर्निंग यू टर्न ले रहा हूँ और फिर हो गया हमारा तो घूमना फिरना, अब चलते हैं सीधा घर। आज तो भाई पूरा दिन मस्ती किए अकेले, ये पता अकेले लेकिन घूमने का बड़ा मजा है भाई। अकेले में पूरा घूम दिया, घुमा अकेले वहां पे। पहले तो भैया लोग के साथ जाते थे नाइट नाइट में, एक दो बार गया था, एक बार अकेले गया था, एक बार आपके साथ गया था परसों। आज गाइस मौसम बहुत ही शानदार है बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा है आज, अलग विंड हो गया है। इनको बोला मैं, आपको बोला था जाने के लिए लेकिन ये फ्री नहीं थे, मैं बोला भैया बहुत मन कर रहा है चलते हैं। तो मैं काफी देर तक वहाँ बैठा था, मस्ती किया, मजा आ गया। और अंदर हम लोग को पता नहीं चल रहा है लेकिन बाहर है, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था मेरे को तो मैं इसीलिए नहीं गया, और थोड़ा सा बिजी था काम में, इसलिए नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे। लेकिन आप गए रहते ना भैया तो बोलते थे हाँ यार मजा था, मतलब मौसम अच्छा था ना, मौसम में बोटिंग भी किया, अकेले बोट चला, हम सब देख रहे थे ना मेरे को, सब ध्यान मेरे तरफ। तारीफ करना कब बंद करेगा, ये खुद की तारीफ करने लगता है। मैं खुद का तारीफ कब किया भैया, मजा आया, सब लोग मेरे को देख रहे हैं, ये क्या है बोलने का मतलब। अरे भैया देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य, अकेले ही था तात्पर्य, हाँ वही तात्पर्य हम आपको बताना चाह रहे, हम अकेले थे तो सब भाई डबल डबल। और सुनो तो एक बड़ा सा स्कैम, थोड़ा सा कैप्चर हुआ वाला वीडियो,
एक लड़की लड़का बैठे थे ठीक है कोने में ठीक है। अब भाई मैं पब्लिकली लड़का निब्बी निब्बी निब्बा निब्बी जिसको बोलते हैं हम देख रहे हैं उसको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, दबा के एकदम हाँ लिपटा लिपटी चल रहा है किस विस उसको बराबर चक्कर वो रहा है पार्क उसी लिए बना है। भाई मैं देखा तो मैं बोला यार हद है, हम नल्ले आदमी हमको क्या मतलब है इन सब चीजों से। कब तक मल्ले रहोगे तुम, तो देख तुम्हारे मन में चलता होगा लगा। अरे तुम्हें शादी होगा हमारा तो सब चीज कहाँ कुछ हो। ठीक है ना तो और बताओ, कल फिर बोलिएगा बस यार दिया नहीं और बताओ दिया है मस्त दिख रहा है राजा आप है मुझे को लुक बना है चश्मा वश्मा एकदम कब लिए भैया चश्मा चश्मा यार मेरे दोस्त ने गिफ्ट नहीं। खुशी कैसा लग रहा है ये बताओ, चाचा बनने का खुशी तो ज्यादा खुशी लेता है। अच्छा राजेश नहीं कर पाया ना, आज रेस्ट नहीं हुआ दिन भर, आज रेस्ट नहीं हुआ दिन भर और कल से 2-3 दिन से जान तो रहे हो, रात में जगना हो रहा है। आज अच्छे से जाके दबा के सोऊंगा, कल दुकान खोलूंगा इसका कोई पता नहीं, मस्त आराम से उठूंगा जिम भी जाऊंगा उसके बाद आराम से दुकान आऊंगा। कल से दाढ़ी बनाना है, जिम जाना तो ठीक है कल खोल लेना दुकान यार। हाँ कल जिम आना कल ना, हाँ यार सवेरे फोन करना तो एक बार वीडियो बनाना कल गाइस, सब लोग आप लोग को जिम का वर्कआउट दिखाते हैं, वर्कआउट का वीडियो आ जाता है टाइम पे तो ठीक है। मेरा ही थोड़ा दिक्कत रहता है जाने का, मेरा मन थोड़ा नहीं करता है ना, बैक वैक मारते हैं कल बढ़िया ठीक है ना, हो यार बना के आपको दिखाते हैं। अभी बॉडी वॉडी उतनी अच्छी बनी नहीं है लेकिन फिर भी दिखाते हैं आप लोगों को बनने के बाद दिखाएंगे। तो कल मेरे भैया से जिम में और वो तो आराम से दिखाता हूँ आपको 2 मिनट में। मनीष भैया के लिए अपने हाथों से बनाया, मैं बनाया था सवेरे गाजर का हलवा, क्या गाजर का हलवा खाने का मन किया बनाया हूँ पता नहीं, अब मनीष भैया ट्राई करने के बाद बोलेंगे। ये मेरे लिए नहीं बनाया है गाजर का हलवा, ये अपने लिए बनाया है और ये जानबूझ के चम्मच लेके नहीं आया है ताकि मैं ना खाऊं। अरे नहीं भैया इसको तो मैं आपके लिए लाया हूँ ताकि चम्मच लाओ ना यार, देखो आपकी वेशिंग भी है, हाथ धोइए खाइए फिर आ चम्मच के नहीं यार। अरे भैया लो ना भैया खाओ तो भैया खाओ, बहुत टेस्टी है, एक बार भैया रिव्यू देंगे कैसा बना है क्योंकि और तो हम है नहीं, उंगली से खा के रिव्यू लेंगे कैसा है बताएंगे। मैं तो बहुत खाया, मैं 1 कटोरी खाया हूँ उसी उतना ही बचा के भी रखा हूँ तो है ना तो खा के बनाएंगे। हाँ उसी को बना लेना भाई, चम्मच का जुगाड़ देख रहे हैं इंसान का, लो बनाओ मैं भी देखूं, ये देसी ट्रिक है ये अपन क्या करते थे ऐसा ऐसा ट्रिक ना, हम जो बचपन में नहीं अभी भी जवानी में भी अभी नवरात्रि में जब जाते हैं ना हाँ, हम करते हैं वही बचपन में तो वाला याद आता था मेरे को इसी बनाते लो। अरे मैं नहीं खाऊंगा, आप खाओ, मैं अकेले इतना नहीं खा पाऊंगा। मैं नवरात्रि के समय जाऊं चम्मच लेके घर से चम्मच लेके जाता था ना पॉकेट में, कार में घूमने जाते 2-3 चम्मच, मम्मी क्या करती थी चम्मच वगैरह को कार में रख लेते थे और फिर जाके वहां खाते थे, तो भाई उसका तो बात ही अलग है। अब भैया बताएंगे कि कैसा लग रहा है देसी चम्मच के साथ, ट्राई करके देखते हैं। देखो बताओ है, लेजर का ट्राई अगेन, बहुत ही शानदार हलवा बना है भाई, मतलब बता रहा ना भैया, मैं उस दिन बोला था वीडियो में कि भाई 85% मैं सारा कुछ बना लेता हूँ। अच्छा बनाया हलवा, बट ठंडा हो गया है, बराबर ठंडा ही था, गर्म करके मैं ज्यादा अच्छा लगता है। तो भाई मस्त बना है, अच्छा हलवा, अपने आप को इतना अप्रिसिएट कर रहा हूँ मैं, अब इनको खिलाते हैं फिर मैं चलता हूँ, घर में कुछ कुछ बनाना है खाना वाना, तो फिर खाना वाना बनाएंगे फिर आज, तो भाई चुपचाप आराम करेंगे, मौसम तो बड़ा अच्छा है, हलवा एंजॉय करता हूँ ठीक है, ये हलवा एंजॉय करते हैं, मैं भी साथ में थोड़ा मोड़ा कर लेता हूँ, बाकी बाय बाय घर में मिलते हैं आपसे। आज तो भाई आज बहुत ठंडी था आज पूरा दिन, तो मैं वही वहाँ पे घूमा, क्या इसी का ग्रुप में गया था, क्या अकेले बोर लग रहा था, मनीष भैया को बोला नहीं गया वो, तो मैं अकेले गया वहाँ पे, काफ़ी देर तक बैठा अकेले बोटिंग किया, मैं बोला यार बहुत दिन से मन कर रहा था अकेले अकेले अच्छा भी नहीं लगता है, बट फिर भी मैं बोला चलो यार क्या ही दिक्कत है, तो अकेले गया। फिर आने के बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, क्या मेरा फ़ोन डाइड हो गया था, चार्ज में लगाया, फिर मुझे मन कर रहा था आलू का पराठा खाने का, आलू पराठा दो उस टाइम खाया था, और मैं लाया था गाजर, गाजर मार्केट में नया नया दिखा तो गाजर लेकर आया, गाजर दूध वगैरह लाया और बनाया हूँ, ये कुकर पे बनाया है मैं गाजर का हलवा, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो गाजर का हलवा अभी खा लिया हूँ और 2 रोटियाँ भी फिर बनाया, 1 रोटी ये रखाया है, अब इसको भाई खाना में ज़्यादा भूख लगने रहा है, लेट से खाना खाया था, तो अभी खाता हूँ ये रोटी आलू का पराठा, और तो भाई और ऐसा था कि मनीष भैया के लिए भी लेकर गया आलू का,
सॉरी गाजर लेकर गया था उनके लिए भी, गाजर का हलवा, तो भी खाया तो बोले काफ़ी अच्छा बनाया है भाई। मैं बोला इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई लड़कियों का 85% काम में कर ही देता हूँ। तो बस ऐसे दिन गुजरा, आज काफ़ी ठंड था, खाना वाना आने मस्त सोया भाई, मज़ा आ गया एकदम। और फिर मम्मी का, वहाँ से आने के बाद मम्मी का बात हुआ तो पता चला कि क्या बोलते हैं, हाथ का जो कलाई है उनका वो फ्रैक्चर हो गया है, तो कल उनका प्लास्टर वगैरह होगा हाथ का, यार जल्दी ठीक हो जाए बस। ऐसा रहता है हमारे साथ हो जाए यार, मम्मी पापा लोग के साथ मत, वो कमज़ोर हो गए हैं अभी वैसे ही, और ये सब अलग दिक्कत हो जाता है। तो हो सकता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं घर जाऊंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।